ये मेरी मम्मा तंदूर पे बना रही है रोटियां, ये है इलेक्ट्रिक तंदूर, ये देखिए बिल्कुल तंदूर की तरह की रोटियां लग रही है। इसका नाम तंदूर है। अच्छा ये ऐसे जोया माशाल्लाह क्या क्या लेके आई है मामू के साथ, इतने ज्यादा बलून्स। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, मेरी तरफ से सबको सुबह बखैर। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ नाश्ता और अपनी अम्मी के हाथ के पराठे खा रही हूँ, और दूसरी तरफ मेरी मम्मा जानी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हैं। अच्छा इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ दिखाने वाली हूँ, तो ये है जी इलेक्ट्रिक तंदूर, और ये मैं यूके से ही लेके आई हूँ। आज हमारा दिल कर रहा था तंदूर की रोटी खाने को, तो आज हम आपको दिखाते हैं कि जी हमने घर में कैसा तंदूर रखा हुआ है। तो ये देखिए जी मेरी अम्मी इस पर रोटियाँ बना रही हैं, और आप देखें इसमें सेम तंदूर के जैसी ही रोटियाँ बनती हैं। तो ये मैं यूके से लेके आई हूँ, और इसको हमने यूज़ किया, मेरी फैमिली माशाल्लाह बहुत हैप्पी है। और जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, ये यूके में इजीली मिल जाती है, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, लेकिन यूके से मैं ये लेके आई हूँ। और ये देखे जी सेम जैसी तंदूर में रोटी बनती है वैसी ही इसके ऊपर रोटी बनती है। तो मैं काफ़ी दिनों से इस पर वीडियो बनाना चाह रही थी, क्योंकि हम दोपहर के टाइम तंदूर की ही रोटी खाते हैं। तो ये देखें जी ज़बरदस्त, और इतना प्यारा इस पे इसका टेस्ट भी बहुत प्यारा, इतनी नरम सी रोटी बनती है ना, बहुत अच्छी रोटी बनती है। ये देखिए जी ये तंदूर है इलेक्ट्रिक तंदूर, ये आपको अमेज़ोन से इजीली मिल जाएगा, और यूके में ईबे वगैरह से भी मिल जाएगा। तो जो लोग पाकिस्तान में हैं, अगर वो उनके पास भी अमेज़ोन का अकाउंट है तो वो भी ये ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये देखिए जी मेरी रोटी भी हो गई है रेडी, और साथ सालन भी। और ये देखिए जी ये है मेरा दोपहर का खाना। और दूसरी तरफ मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि मेरे ब्रदर इन लॉ आए हुए हैं, और आज हमारे हम जब मेरे ब्रदर इन लॉ आते हैं हम इनके हाथ का खाना खाए बगैर इनको जाने नहीं देते, क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो इसलिए आज वो बना रहे हैं बिरयानी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ। अब ये देखें जी, ये पहले इन्होंने प्याज डाल के चिकन को भून लिया था, अभी इसमें टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह इसमें मिक्स कर दिया है, और ये देखिए जी अब ये इनकी भुनाई कर रहे हैं। अभी माशाल्लाह रात के खाने की तैयारी हो रही है, और पूरे घर में माशाल्लाह से चावलों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आज जी रात के खाने में औरतों की किचन से बिल्कुल छुट्टी है, जब हमारे ब्रदर इन लॉ ये आ जाए, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी से दे, तो उस दिन हम कोई कुकिंग नहीं करते, यही कुकिंग करते हैं, खुद भी खाते हैं और हमें भी खिलाते हैं। तो यहाँ पे ये ऐड कर रहे हैं मसाले में इमली का पानी। अच्छा आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मूड बहुत अच्छा है, और इसकी वजह क्या है वो भी मैं आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करूँगी कि आज मैं क्यों हैप्पी हूँ। वैसे आप गैस करें, तो इस पूरी वीडियो में कहीं ना कहीं एंड तक मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आज मैं क्यों खुश हूँ। जी ये देखें जी बहुत अच्छी और मज़े की बिरयानी हो चुकी है रेडी, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और टेस्ट में भी माशाल्लाह बहुत मज़े की थी। जी खाना वगैरह खाने के बाद हमने थोड़ी सी वॉक की, और माशाल्लाह से आज मेरी सिस्टर्स भी मुझे मिलने आई हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था। और यहाँ पे अभी भाभी बना रही हैं चाय, और रात को चाय पिए बगैर अब मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तानी चाय जो है वो मुझे पाकिस्तान में ही आके पसंद आती है। यूके में तो ज़्यादा मैं कैटल वाली टी पीती हूँ, ब्रिटिश टी, और यहाँ पे आके जी मैं पाकिस्तानी टी बिल्कुल मिस नहीं करती। जी ये देखें जी सबके लिए अब चाय हो रही है रेडी, तो मैंने सोचा है कि अभी आप लोगों के साथ मैं वो खुशी की वजह शेयर कर ही देती हूँ। और आज मैंने मिठाई भी ऑर्डर की हुई है, मिठाई भी मंगवाई है, तो चलें जी मैं साथ साथ भाभी चाय डाल रही हैं, तो साथ साथ मैं आप लोगों को रीज़न बता देती हूँ कि आज मैं क्यों खुश हूँ। आज मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरे चैनल पे 113 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं माशाल्लाह से, तो इसी खुशी में मैंने सब के लिए स्वीट मंगाई है, और मेरी बहनें भी आई हुई थी, और स्पेशल हमने बाद में टी टाइम किया बैठ के, और ये देखे जी हम सब ने मिठाई खाई। जी अभी रात के 12 बजे का टाइम है, और सिस्टर्स वगैरह अपने घर में वापस चले गई हैं।
आज सारा दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, मैं बहुत खुश थी, बहनें भी आई हुई थी, बहुत हल्ला गुल्ला किया। मेरी कोशिश होती है कि मैं जितने दिन पाकिस्तान हूँ मेरी सारी बहनें मुझे मिलती रहे, आती जाती रहे, ताकि मैं बिल्कुल भी बोर ना हूँ, क्योंकि यूके में जाके तो मैंने बोर ही होना है। वहाँ पे जारी बात है मेरी फैमिली तो नहीं है, मेरी फैमिली तो ज़्यादा पाकिस्तान में है, तो इसलिए मैं अपनी बहनों के साथ बहुत खुशी फील करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करके। और अभी आप सोच रहे होंगे कि रात के 12 बजे मैं बाहर क्यों खड़ी हूँ। जी, मैं इसलिए बाहर खड़ी हूँ कि मेरी जो जोया है वो मामू के साथ गई हुई है आइसक्रीम खाने। हसन जो है वो काम से लेट आता है, तो आज वो अम्मी को लेके गया था आइसक्रीम खाने, तो जोया का भी दिल कर रहा था कि वो साथ जाए। तो जोया अभी इतनी छोटी सी मेरी बेबी है, तो उसको अभी बाइक पर बैठना नहीं आता, लेकिन माशाल्लाह से वो इतनी खुशी से हसन के साथ बाइक पर बैठी, तो मैंने भी जाने दिया, मैंने कहा बच्चे इंजॉय करें मामू के साथ। तो बस जी, मैं साथ साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ, साथ साथ मैं जोया का अम्मी लोगों का वेट कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, सामने से बाइक की लाइट आ रही है, तो इसका मतलब है हसन वापस आ रहा है। तो देखते हैं जी जोया ने कितना तंग किया है नानी को साथ जाके मामू को। तो बस जी, ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त जोया। तो जोया माशाल्लाह क्या क्या लेके आई है मामू के साथ, इतने ज्यादा बलून्स, वाह जोया ये क्या लेके आई हो, जोया इतने बलून लेके आई है माशाल्लाह। जोया को पसंद नहीं आया, मुझे लगता है इसको नींद आई। ओ मेरा काका, क्या लेके आई हो, बलून्स? आपको मजा आया बाइक पे बैठ के, आइसक्रीम खाई? ये ले लो, वाह से थैंक यू नानी, सारे मेरी जोया के हैं माशाल्लाह। हेलो जोया, आज सारे ले लेते हैं, दे दो जी नानी हमारे सारे बलून्स। आज जोया, आज अंदर चले, कम आज 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 इधर आज 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 आज। ये देखें जी, जोया माशाल्लाह बहुत हैप्पी है। हसन जब भी काम से वापस आता है, ज़ैनब और जोया जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं हसन को मिलके, इवन के वो वेट करती हैं कि कब मामू वापस आए और हम उनके साथ खेलें। तो यहाँ पे जोया को बिल्कुल नींद नहीं आ रही, रात का इतना टाइम हो गया। ज़ैनब तो काफ़ी देर से सो चुकी है, लेकिन जोया की मस्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही, और माशाल्लाह से जोया अपने मामू के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। ठीक है जी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मैं जोया को सुलाती हूँ, और क्योंकि हसन भी काम से आया, उसने भी फ्रेश वगैरह होना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, दुआओं में याद रखें, और मेरे ऐसे मज़ीद व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, मेरी तरफ़ से सबको अल्लाह हाफिज़।